Hello, what's up, people? Welcome back to BC Rewind, your weekly dose of news entertainment. My name is Vipin Peter, and let's start. ऑलराइट, सो लास्ट वीक जम्मू एंड कश्मीर के बीजेपी एमएलसी रमेश अरोड़ा ने कहा कि मोमोज खाने से काफी सारी जानलेवा बीमारियां जैसे कि कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन हो जाती हैं। ये कौन है यार? ये न्यूज सुनकर मेरा एक फूडी दोस्त बेहोश होके गिर पड़ा। रमेश जी का कहना था कि बांग्लादेशी और बर्मीज लोग मोमोज का बिजनेस चला रहे हैं और उनके एफर्ट से मोमोज की सेल 35% तक कम हुई है। सर, जब कुछ समझना है तो वही अपना स्टैंडर्ड जवाब, विदेशी हाथ। मतलब इनके हिसाब से आपको टबैको या सिगरेट से खतरा नहीं है, आप दारू भी जितनी मर्जी चाय पी सकते हो, और अगर आपका मन करे तो आप ले सकते हो बाबा जी की बूटी, पर मोमोज मत खाना, उससे कैंसर हो सकता है। सर एक बात बोलूं, मोमोज तो मैं खाऊंगा, फिर चाहे मुझे हो जाए लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वैसे ये न्यूज सुनकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड था मुकेश। कौन? अरे मुकेश को नहीं जानते? अरे अपना मुकेश, ये वाला मुकेश। मेरा नाम मुकेश है, मैंने 3 एग्जाम बुक का जवाया। He was like, अगर एंटी मोमोज कैंपेन बना तो मैं उसमें कहूंगा, मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल मोमोज खाया, ये चुतिया कह रहा है कि अब मुझे कैंसर हो गया है, इससे अच्छा तो मैं गुटखा ही चबा लेता। मूविंग अहेड, लास्ट वीक इंडियन रेलवे की केटरिंग सर्विस ने एक बंदे को बिल ज्यादा दे दिया और भाई ने पकड़ लिया। गंदगी खाना मत खाना दीदी जी, कोई भी खाना मत छूना प्लीज। असम के नीलब कानिकर ने ट्रेन में बिरयानी ऑर्डर की एंड ही वाज चार्ज्ड 80 रुपीज पर प्लेट, पर जब उन्होंने पैंट्री में जाकर मेन्यू कार्ड देखा तो पता चला कि एक्चुअल कॉस्ट 63 रुपीज थी। देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझसे छूट बर्दाश्त नहीं। नीलब ने इस पूरे इंसिडेंट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। राजेंद्र नगर पटना एक्सप्रेस में 13281, यही नंबर है ना इसका, 5th of June 2017, पेंट्री कार में ज्यादा पैसा लिया जा रहा है पेंट्री रेट से पैसेंजर से। और ये जानने के बाद कि उनसे ज्यादा पैसे लिए गए हैं, he was like, मुझे मेरे और बाकी पैसेंजर्स के सारे पैसे वापस चाहिए। एक्चुअली ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने ट्रेन में ऑर्डर किए गए खाने के लिए ज्यादा पैसे दिए हों। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जागो ग्राहक जागो। मूविंग अहेड, एज पर अ न्यूज पब्लिश लास्ट वीक, अ प्लैनेट विल बी नेम्ड आफ्टर अ 16-year-old गर्ल फ्रॉम बेंगलुरु। ये है सहीति पिंगाली, अ 16-year-old 12th क्लास स्टूडेंट फ्रॉम बेंगलुरु हु हैज डेवलप्ड एन इंटीग्रेटेड मोबाइल फोन ऐप एंड लेक मॉनिटरिंग किट दैट ऑब्टेन्स डेटा थ्रू क्लाउड सोर्सिंग। अरे काफी टेक्निकल इन्फो है अंकल, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। भाई आजकल के बच्चे भी ना, पहले रिवर्स शाहरुख ने नासा से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवा दी और अब इन मैडम के नाम पे प्लैनेट का नाम रखा जा रहा है। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है। सो ऑल दो 16-year-old गर्ल्स जो अभी तक इसी बात पे अटकी हैं कि मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, कुछ करो यार, ऐसे कैसे चलेगा? वैसे कोई बड़ी बात नहीं है ये। अरे मेरा दोस्त है सूरज, मेरा कुत्ता है प्लूटो, और मेरे पड़ोस वाले अंकल चांद नवाब। व्हाट अ जोक। और दैट्स इट फॉर दिस वीक, वी विल बी बैक विद अ नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट मंडे, और हम हमारे फेसबुक पेज पे बहुत सारी नई चीजें लेके आ रहे हैं, सो स्टे कनेक्टेड एंड बाय।